देश की राजधानी दिल्ली में चार अलग अलग इलाकों की तस्वीरें सामने आई। सभी में फायरिंग करते दिख रहे बदमाश भी अलग अलग हैं, लेकिन इन बदमाशों का मकसद एक ही है, रंगदारी। कारोबारियों के शोरूम और घरों में फायरिंग के बाद फेंकी गई रंगदारी की पर्चियां दिल्ली पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियों के लिए इस वक्त सिरदर्द बनी हुई हैं। फायरिंग और उसके बाद करोड़ों रुपयों की रंगदारी के लिए फेंकी हुई धमकी भरी इन पर्चियों से अब दिल्ली के व्यापारी खौफजदा हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले इन गैंग्स ऑफ दिल्ली पर नकेल कसने की लाख कोशिशें की, लेकिन धमकी देकर पैसे वसूलने का यह सिलसिला दिल्ली में बदस्तूर जारी है। तारीख 4 नवंबर 2024, समय था दोपहर 1 से 3 बजे के बीच। जगह दिल्ली के अलीपुर और नागलोई का इलाका। बदमाशों ने एक ही दिन में दो अलग अलग इलाकों में कारोबारियों को टारगेट किया। पहले बीते सोमवार दोपहर 1:30 बजे नागलोई इलाके में श्रीलक्ष्मी प्लाईवुड के शोरूम को टारगेट किया गया। स्कूटी पर सवार होकर आए 3 बदमाश शोरूम पर पहुंचे और करीब 8 से ज्यादा राउंड फायरिंग की। हालांकि फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ, क्योंकि बदमाशों का मकसद था करोड़ों की रंगदारी वसूलना। फायरिंग के बाद बदमाश 10 करोड़ रुपए की रंगदारी की पर्ची फेंककर फरार हो गए। पर्ची पर जितेंद्र गोगी गैंग का नाम लिखा हुआ था। इसके करीब 1.5 घंटे के बाद ही अलीपुर इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस को निशाना बनाया गया। यहां पर भी बाइक पर आए बदमाशों ने फायरिंग की और बाद में कॉल कर करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगी। नागलोई और अलीपुर में हुई फायरिंग की जांच करते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक नाबालिग समेत 2 शूटर्स को पकड़ा। बदमाशों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये सभी जितेंद्र गोगी गैंग के गुर्गे हैं और रंगदारी की प्लानिंग के तहत नागलोई और अलीपुर में फायरिंग की थी। साथ ही इन शूटर्स ने खुलासा किया कि कुख्यात गैंगस्टर योगेश टुंडा और मोंटी मान के साथ साथ उनके सहयोगी राम निमास उर्फ मोगली के आदेश पर काम कर रहे हैं। दरअसल गोगी गैंग लॉरेंस बिश्नोई का सहयोगी गैंग बताया जाता है। जितेंद्र गोगी की साल 2021 में रोहिणी कोर्ट के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद गैंग की कमान दीपक बॉक्सर और अंकेश लकड़ा के पास आ गया। ये दोनों ही इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर गैंग को ऑपरेट कर रही हैं। इतना ही नहीं, वर्चस्व की इस लड़ाई में लॉरेंस के दुश्मन गैंग बम्बीहा के शूटर्स ने 26 अक्टूबर को दिल्ली के रानीबाग इलाके में एक व्यापारी के घर के बाहर फायरिंग की थी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने घर के बाहर एक पर्ची फेंकी, जिस पर कौशल चौधरी और बम्बीहा गैंग का नाम लिखा था। इस मामले में भी दिल्ली पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। इससे पहले भी 27 सितंबर को दिल्ली में 2 वारदातें हुई। पहली वारदात पश्चिमी दिल्ली के नारायणा इलाके में शाम करीब 7:30 बजे हुई, जहां एक सेकेंड हैंड लग्जरी कार शोरूम पर 3 बदमाशों ने हमला किया था। हमलावर शोरूम में दाखिल हुए थे और 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां दागकर फरार हो गए थे। हालांकि गनीमत ये रही कि गोली उस वक्त किसी को नहीं लगी। जाते जाते बदमाश हिमांशु भाव नाम की एक पर्ची छोड़कर फरार हो गए थे। बाद में पुलिस ने शूटर्स को गिरफ्तार किया और इसी तरह महिपालपुर के एक होटल में भी हाल ही में बदमाशों ने फायरिंग कर रंगदारी मांगी थी। रंगदारी विदेश में बैठे लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने मांगी थी। जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में अलग अलग इलाकों में बम्बीहा गैंग, बवाना गैंग, नवीन बाली गैंग, जितेंद्र गोगी गैंग, टिल्लू ताजपुरिया गैंग और अब कौशल चौधरी गुरुग्राम गैंग एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, उससे दिल्ली पुलिस पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।